So hi guys, welcome back to my channel or welcome to the channel if this is the first time you're watching me and I am traveling. अभी I am ready और आज का date है 11th of June and मेरा flight है आज रात में 12:30 and I am all ready right now. अभी time हो रहा है I think something 7:30 and yeah. So I am already and done and this is my outfit. I'll show you my outfit in some time. So I'm traveling somewhere and I am super excited to share with you all my travel vlogs. So without wasting any further time, let's get started. So this is how beautiful the quartz it is. I'll link it. So that is my OOTD. Very unexpectedly यहाँ पे मेरा जो कार्ड है उसमें ट्रैवल लाउंज अवेलेबल था एंड आई गॉट फ्री फूड. सो बहुत सारे यहाँ पे बुफे हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू डिग इन. यू कैन सी मैंने बहुत कुछ ले लिया है. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो इमिग्रेशन चेक इन सब कुछ हो गया. एवरीथिंग इज डन. बैगेज क्लेम एंड एवरीथिंग इज डन. अभी हम लोग लंच में खाना खा रहे हैं एंड आफ्टर दिस वी आर गोना बोर्ड द फ्लाइट एंड आई विल गेट गोइंग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. और ये बहुत ज़्यादा वाला एडेड सरप्राइज था कि आई गॉट फ्री पास टू द लंच एंड या आई मीट इट. फ्लाइट राइट नाउ एंड या अभी फ्लाइट निकलने वाला है. रात के 1:45 एंड द टाइमिंग इज 12:45. या वी आर ऑलमोस्ट सेम एंड थोड़ा सा धोखा हो गया है. एक उधर विंडो है एंड एक इधर विंडो है बट दोनों में से व्यू अच्छा नहीं है. एक में तो फुल विंग है. आई बोर्डेड द फ्लाइट. अभी सुबह के 4:40 हो गए. लेट्स गो. तो मैं सोची थी कि मैं फ़्लाइट में सो जाऊंगी बट फ्लाइट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था. पूरे टाइम मेरे ईयर्स में पेन हो रहे थे तो आई कुड नॉट स्लीप एंड या फाइनली रीच्ड थाईलैंड एंड यस दिस इज द प्लेस आई एम ट्रैवलिंग टू. एंड अभी सबको वीज़ा अराइवल ऑन अराइवल के लिए जाना पड़ेगा बट सिंस आई हैव माय ओन वीज़ा सो आई विल जस्ट गो डायरेक्टली टू इमिग्रेशन एंड या then we'll head towards the city. Yeah. So guys, my advice, always get your visa done before you know entering the country, even if it has visa on arrival. I know visa on arrival is very less harassment in the country but out of the country, oh my god, it's so smooth. Mere piche I think all the people, none of them have taken visa पहले से एंड दे विल वेस्ट सो मच टाइम. और मेरा इतना फास्ट इमिग्रेशन हुआ है पूछो मत. आप लोग इंडिया में हैरस दूसरे कंट्री में हैरस होने से बहुत बेटर है इंडिया में हैरस होना. सो प्लीज़ गेट योर वीज़ा टेकन. या तो जो भी एनीवेज मेरा हो गया है सब कुछ. इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग इज डन एंड नाउ वी विल गेट गोइंग. जस्ट बैगेज लेना है एंड बस. आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन यहाँ पे एज यू कैन सी सबने वीज़ा ऑन अराइवल लिया हुआ है तो वो वहीं फंसे हुए हैं. एंड इमिग्रेशन वॉज लाइक 3 मिनट लगा होगा कम टोटल. तो बहुत फास्ट था एंड बहुत ईजी था. कुछ भी ज़रूरत नहीं था. दे जस्ट यू नो नॉर्मल प्रोसेस पिक्चर लेना फिंगरप्रिंट्स लेना एंड या इट वॉज डन वेरी वेरी फास्ट. कोई झमेला नहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे. दैट्स माई साइड ऑफ द स्टोरी. ओनली वन एडवाइस टेक द वीज़ा इन योर ओन कंट्री. ओके
और ये मेरा लगेज भी आ चुका है, तो मैं फटाफट से लूँगी एंड बाहर निकलूँगी। यहाँ पे एक फ्लाइट में आपको एक पर्ची टाइप का दिया जाएगा, लाइक एक स्लिप टाइप का जो चेक जैसा होता है, एंड उसको आपको फिल करना है। उसके बाद जो है वो डिटेल्स को थोड़ा सा वो लोग फाड़ के आपको देंगे जिस इमिग्रेशन के टाइम, वो आपको रख लेना है। बहुत जन फेंक देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो यू आर नॉट सपोज टू थ्रो दिस पेपर, यू हैव टू कीप इट टिल दी एंड सो दैट इट्स इजेज योर प्रोसेस एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर इन दिस ट्रिप। सो या एंड तक इसको रखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस एयरपोर्ट में आपको बहुत सारे सिम्स के शॉप मिल जाएंगे, तो मेरे को 300 भाट पड़ा फॉर 8 डेज का सिम, तो मैंने ले लिया सिम उतर के। सो DMK एयरपोर्ट के गेट नंबर 6 से बाहर निकल के बस में जो A1 बस स्टॉप में जो A1 बस है वो पकड़ना है, वो पकड़ने से अपने को मोचित स्टेशन पहुँचाएँगे जहाँ से फिर पटाया का बस मिलेगा। ये नॉर्मल AC बस है जो 30 भाट पड़ता है पर पर्सन। तो अभी मैंने बस बोर्ड कर लिया है, मैं बस में बैठी हूँ A1 बस में एंड ये जाएगा मोचित स्टेशन, वहाँ से मेरे को मिलेगा पटाया का बस जो 3 आवर्स का होगा, और यहाँ से मोचित स्टेशन जो है हाफ एन आवर का है एंड इसका फेयर 30 भाट है जो कि 70 रुपीज़ है। तो यहाँ से मोचित स्टेशन जाने के लिए 70 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड देन वहाँ से बस लेना है पटाया के लिए, उसका प्राइस मैं तब जाके बोल दूँगी। काफ़ी कंफर्टेबल है बस, नॉर्मल बस जैसा है जो एयरपोर्ट में बस होता है, एकदम वैसा बस है। तो अभी आई हैव रीच मोचित स्टेशन, बस स्टॉप के ऑपोजिट में जाना है, जहाँ से बस उतारता है उसके ऑपोजिट में ही मोचित स्टेशन बस स्टॉप है, यहाँ से बस लेंगे एंड पटाया चलेंगे। सो या लेट्स गो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो 7-Eleven इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे पैकेज फूड मिलते हैं एंड माइक्रोवेव भी रहता है, तो यू कैन डेफिनेटली वार्म इट अप एंड यू नो डेजर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैं मोस्टली 7-Eleven से ही खाना ले रही थी। आई गॉट अ क्रैब सैंडविच एंड ये मोची जो ताकोची बोलते हैं यहाँ पे, ये बहुत फेमस डिज़र्ट है एशियन कंट्रीज़ में, तो ये मैंने ले लिया एंड दैट वॉज माई ब्रेकफास्ट। और ये है टिकट काउंटर, 128 भाट पड़ा मेरे को पटाया जाने का जो बस उसके लिए। तो मैंने अभी बस ले लिया है पटाया जाने का बस लिया है, तो 128 भाट पड़ा। अब ये रुपीज़ में कैलकुलेट करके मैं स्क्रीन में डाल दूँगी एंड देखो ना पीछे का सीट मिला है मेरे को, क्योंकि आई थिंक आई एम फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटी, तो जो भी सो आई गॉट दिस सीट। ईजी था, काफ़ी ईजी था। जहाँ पे आप उतरते हो एयरपोर्ट से बस लेते हो, बस से आपको बता देगा जहाँ पे आपको उतारता है मोचित में, उसके ऑपोजिट में बस स्टॉप है ये वाला, वहाँ पे 7-Eleven है जहाँ से मैंने यू नो क्रैब सैंडविचेस एंड मोची लिया है जो अब मैं खाऊंगी। मैंने मैचिंग करके दिया अपने कपड़े के साथ, मोची बहुत ज़्यादा फेमस है एशियन कंट्रीज़ में, रियली रियली वॉन्टेड टू ट्राई, तो ये मैंने लिया, अभी मैं खाऊंगी। और वहाँ से ही बस स्टॉप यू नो टिकट लिया है मैंने एंड देन बोर्डेड द बस, तो ये बस में बैठे हैं एंड 3 घंटे का सफ़र है। बस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको, एंड काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है लगेज रखने के लिए भी, जैसे नॉर्मल अपना बस होता है AC बसेस होते हैं वहाँ पे वैसा ही है। वेरी नाइस, 128 भाट में काफ़ी अच्छा है, क्वाइट गुड, आई रियली लाइक इट एंड बहुत कम्फर्टेबल है। सो नाउ लेट्स गेट गोइंग। एक इंसान के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस एंड बहुत ही कंफर्टेबल बस था। और यहाँ मैं अपना ताकोची या मोची जो भी इसको बोलते हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ, इसके अंदर रेड बीन पेस्ट है। पहली बार में मेरे को समझ नहीं आया, बट टू बी ऑनेस्ट टेस्ट वाज गुड, बट मैं सेकेंड टाइम नहीं लूँगी। एनी वेज आई एम हैविंग दिस, और फिर इसके बाद मैं सीधा जैसे बस स्टार्ट होने वाला है मैं सोने वाली हूँ। तो नाउ आई एम टेकिंग अ व्यू ऑफ द सिटी, बट बहुत सारे स्काई स्कैपर्स हैं यहाँ पे और बहुत हैपनिंग लग रहा है रास्ते से भी देख के, बैंकॉक बहुत हैपनिंग लग रहा हैपनिंग इन द सेंस वेरी बिजी सिटी, नॉट इन द पार्टी वाला सेंस में नहीं, बट बिल्डिंग्स एंड ऑल दिस, बहुत रास्ते बहुत सुंदर है, आपको दिखेगा इतना ब्यूटीफुल प्रिटी सिटी है। मतलब यहाँ पे अगर वर्क लाइफ से लेके पार्टी लाइफ सब कुछ बहुत ही प्रिटी है, इट्स वेरी नाइस, आई एम हैव एंजॉयिंग द व्यू ऑफ द सिटी। सो गाइस मैं
अभी उतरी हूँ पटाया और अभी सो के भी उठी हूँ, जैसे बस रुका बस स्टॉप पे पटाया के वैसे मैं उठी एंड उठ के मैं उतरी हूँ। अभी हॉस्टल जाऊँगी एंड फिर वहाँ पे जाके सो जाऊँगी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये है शेयर टुक टुक जो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, मेरे को 30 फाट पड़ा, जो मेरे हॉस्टल तक लेके गया बस स्टॉप से जो वॉकिंग स्ट्रीट के पास में है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नॉनजे हॉस्टल करके, ये आपका पूरा पटाया जो बीच है उसके ऑपोजिट में, ये पूरा लेन में बहुत सारे ब्यूटीफुल क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड बहुत सारे हॉस्टल्स होटल्स बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि बगल में मैकडी है, बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे पंप बेड्स ऑफकोर्स वही है, तो वहीं चलेंगे एंड मैं रेडी होकर जब निकलूँगी तब मैं आपको प्रॉपर्टी टूर करा दूँगी। ओके, और इसका जो प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग पड़ा वो मैं स्क्रीन में डाल दूँगी। सो दिस इज़ द प्रिटी हॉस्टल, मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फ्रंट लॉबी, यहाँ पे बैठने का खाने का थोड़ा सा ऑप्शन है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डाइन ओवर हियर एज वेल। एंड यहाँ पे दिस इज़ द रिसेप्शन एंड यहाँ पे एवरीवन इज़ वेरी स्वीट, दे टॉक टू यू वेरी नाइसली, बट वैसे ही स्वीटली बात करके दे विल टेक ऑल योर मनी। एंड दिस इज़ द मेन फ्रंट गेट, फ्रंट डोर, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोर किया हुआ है लाइक बैठने के लिए, साइकिल गाड़ी बना हुआ है, दिस टेलीफोन, ब्यूटीफुल टेलीफोन बूथ भी है, तो काफ़ी प्रिटी है। इसका नाम नॉनजे है, मैंने पहले ही बताया मेरे हॉस्टल का। बगल में मैकडोनल्ड्स है जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, अगर आप नहीं खा सकते हो थाई फूड या एनी यू नो आउटसाइड फूड तो मैकडी आप ज़रूर ट्राई कर खा ही सकते हो ऑब्वियसली। एंड ऑपोजिट में यहाँ पे बीच है एंड ये बहुत ही प्रिटी समर टाइम लग रहा है देख के। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, अगल बगल में बहुत सारे क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड पीछे में पूरा बीच है एज यू कैन सी। और अभी मैं जाऊँगी एंड थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर रेडी होके फिर निकलूँगी। सो या दैट्स द प्लान एंड आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे बहुत गर्मी है बट बहुत मज़ेदार वाली गर्मी है, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। सो आई एम इन पटाया फॉर डे वन एंड सो माई थाईलैंड ट्रिप हैज स्टार्टेड। ये डाइनिंग एरिया है बेसिकली, यहाँ पे डाइन करना अलाउड है क्योंकि जैसे अगर आप अपने रूम में घुस के डाइन करोगे तो फिर हाउ विल यू मीट अदर पीपल, सो दैट इज़ द स्लाइड फ्रॉम द टॉप फ्लोर बाय द वे। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया, यहीं पे बैठ के सब आराम से बात करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के सब जब आते हैं। दिस इज़ द रूम, ऐसे ही रूम्स हैं यहाँ पे, तो दिस वन इज़ माइन। यहाँ पे मतलब सब कोई सो रहे थे तो आई वॉज नॉट स्पीकिंग लाउडली एंड या यहाँ पे सब कोई मिलता है एंड सब एक साथ घूमने भी जाते हैं, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो आई जस्ट केम टू माई रूम और बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है एंड क्योंकि गाइज ये कैप्सूल टाइप का है, मतलब बहुत लोग यहाँ पे सो रहे हैं अभी, तो मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों को। सो जितना भी मैं दिखा सकती थी मैंने दिखा दिया है एंड मैं व्यू दिखा देती हूँ मेरे रूम के बाहर से। सो दिस इज द व्यू आउटसाइड माई रूम जो बहुत ही प्रिटी है। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड द रूम एंड यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं घूम के आपको बाद में दिखा दूंगी। सो वो सब मैं बाद में आपको दिखा दूंगी, अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो मैं जाऊँगी एंड आई विल टेक अ नाइस नैप एंड देन आई गेट अप एंड फिर रेडी होके देन आई गो आउट मे बी टू द बीच एंड शाम को वॉकिंग स्ट्रीट ऑफकोर्स। सो या आई सी यू इन अ बिट। पे रेडी होके नहा धो के खाना खाने आ गई थी, एक्चुअली मैंने पैकेज्ड फूड लिया था तो मैं वही ट्राई कर रही थी। एंड ये है बगल वाला लेन, हॉस्टल से बिल्कुल सटा हुआ जो लेन है बगल में वो लेन है। यहाँ पे इंडियन फूड, पोस्ट ऑफिस, मसाज, एवरीथिंग इज़ हियर एंड ऑपोजिट में ही बिल्कुल बीच है, यू कैन सी 7-Elevens तो भरते ही पड़े हुए भर भर के हैं एंड दैट इज़ द बीच। शाम का टाइम था तो मैं थोड़ा बीच के लिए गई थी एंड काफ़ी प्रिटी है, नॉट प्रिटियर देन फुकेट फीफी बट पटाया के हिसाब से काफ़ी साफ था बीच एंड क्या मज़ा आ रहा था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डे। बट बीच से ज़्यादा मेरे को जो वो स्ट्रीट है जहाँ पे वहाँ पे इतने सारे क्लब्स वगैरह वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी शाम का टाइम है एंड बीच में अभी भी बहुत लाइट है, नहीं पता यहाँ पे अंधेरा कब होता है। अभी बज रहे कितने, 6-5 बज रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी उजाला है एंड
बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। मौसम ऐसा है कि ज़्यादा धूप भी नहीं है और क्लाउडी है, बट बारिश वाला भी, अंधेरा भी नहीं है, तो मौसम बहुत बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं लग रही है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द कंट्री एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो आज के लिए आई थिंक आई एम गोना गो टू वॉकिंग स्ट्रीट चेकआउट करने के लिए, वहाँ पे है क्या। और ऐसे यहाँ पे बीच है ऐसे, और जैसे कि आपको दिख रहा है द बीच इज दिस साइड एंड रोड के साइड में यहाँ पे क्लब्स एंड रेस्टोरेंट जैसे कि मैंने बताया। एंड या शाम को अभी थोड़ी देर में वॉकिंग स्ट्रीट जाऊंगी, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट में थोड़ा अंधेरा होगा तभी मज़ा आएगा। तो वॉकिंग स्ट्रीट आई विल गो एंड एक्सप्लोर कि वहाँ पे क्या क्या है। एंड या आई विल टेक यू ऑल विद मी। सो फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक है, थोड़ा स्लो स्टार्ट है बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। आई एम विलिंग टू ट्राई सम थाई फूड टू नाइट एंड या देयर इज़ माई OOTD। यस, I took this jumper from H&M. So yeah, and this one, this jewelry is from Urbanic. And yeah, बस इतना ही Daniel Wellington का set पहन लिया है। So that is my OOTD. And look at the view behind me. It's so pretty, guys. The view is so to die for. And I'm gonna take a thumbnail over here. तो या बहुत ज़्यादा ही pretty लग रहा है। I feel pretty. I am so happy over here. तो चलो लेट्स गो एंड चेक कि रोड्स में क्या क्या क्लब्स हैं, कैफेज हैं। मैं थोड़ा वॉक करके चेक कर लूँगी कि क्या क्या है। तो चलो favorite donut brand Krispy Kreme and I have been wanting to have one glazed donut from them since a very long time. So okay, I will eat it. सारा शॉप से उन्होंने बीच वेल के लिए एकदम बीच के ऑपोजिट में, और नॉन जी से कितना 100 मीटर आगे, 50-100 मीटर आगे है। एंड यहाँ पर आपको बहुत कुछ मैक्सी ड्रेसेस, बीच ड्रेसेस, बिकिनीज, टी शर्ट्स एंड ऑल दिस टू पीस सेट सब कुछ मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ है बट आई डिड नॉट चेक द प्राइसेज, क्योंकि मेरे को यहाँ से कुछ लेना ही नहीं था। आई हैव माई प्लेसेज डिसाइडेड कहाँ से मैं शॉपिंग करूँगी। तो यार अभी बस हो गया, मैंने क्रिस्पी क्रीम से डोनट खाया एंड अभी आई एम गोइंग बैक टू दी रूम द हॉस्टल एंड उसके बाद फिर से तैयार होके शाम को थोड़े लेट से निकलूँगी। अभी बहुत ज़्यादा थक गई। ये जो कैफे है काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, मैं कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं डाल नहीं पाऊँगी ज़्यादा। कैफ़े का नाम हूटर्स है। आपको अगर अच्छा म्यूज़िक वाला प्लेस चाहिए तो दिस इज़ अ गुड वन। बार है बेसिकली, यहाँ पर बहुत सारे बार्स है बट या दैट इज़ अ गुड वन दैट जो मेरे आप में आया। तो आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। ओके चलिए, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं अरेंज करके होटल से निकल गई हूँ वॉकिंग स्ट्रीट के लिए। अभी वॉकिंग स्ट्रीट स्टार्ट हो गया है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो मेरे को देखना है वॉकिंग स्ट्रीट में क्या है एंड चलो आप भी चलो एंड आई विल आल्सो गो एंड चेक आउट की क्या क्या होता है यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट।
शॉर्मा का एक शॉप मिला है इस्तानबुल कबाब करके, यहाँ पे शॉर्मा को भी कबाब ही बोला जाता है। यहाँ पे चिकन मैंने एक लिया है, अभी चिकन एंड बीफ दोनों के है। तो चिकन शॉर्मा जो है, जो चिकन कबाब है वो 80 भाट का है, विच इज़ आई थिंक अराउंड 160-170 रुपीज़। सो या आई टेस्ट इट एंड आई टेल यू कि कैसा है। एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ इस्तानबुल कबाब। इनमें ये तो अगर आपको शॉर्मा खाने तो आई गिव यू रिव्यू आफ्टर दिस। यहाँ पे अभी सारे क्लब्स बंद है, इस तरफ रोड बन रहा है तो इस तरफ के सारे क्लब्स एज यू कैन सी बंद है। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। क्या यू गाइस कैन कम, ऑफ कोर्स अगर आप हटाया तो यू हैव टू कम हियर, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने सोचा था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ही कम है। सो या आई विल गो एंड हैव डिनर नाउ एंड लेट्स सी कि क्या खाते हैं। जो मैंने शॉर्मा खाया था बाय द वे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ खाना पड़ेगा, एक शॉर्मा से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कुछ खाने जाऊँगी मैं, आई थिंक। एंड बिहाइंड मी बहुत ज़्यादा, बट दे आर वेरी एम्पावरिंग, तो आपको अच्छा ही फील होगा। सो ये खाना मैंने 7-Eleven से लिया है। ये स्टोर्स आपको पूरे थाईलैंड में हर 200 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते में बहुत सारा पैकेज फूड रहता है। फ्राइड राइस है, कोरियन राइस है और कोरियन चिकन है, और ये एक रामेन है। तो दोनों मिला के मेरे को कुछ 220 रुपीस पड़ा, विच वॉज लाइक 93 भाट। ये डिनर हो जाएगा फिर मेरा एंड देन। तो यही अभी मैं डिनर कर लूँगी, डिनर कर